नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। शहर से लेकर गांव तक पूरे हर्षोल्लास के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद मनाई। बड़े ईदगाह में ईद का नमाज अदा कर एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। अक्षय तृतीया पर सोनरपट्टी में जमकर लोगों ने आभूषण की खरीदारी की। और दूसरी शादी करने पर पहली पत्नी के शिकायत पर काजीमोहनपुर थाना की पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियाँ। अब खबरें विस्तार से। शहर से लेकर गांव तक मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धूमधाम से ईद मनाई। बड़े ईदगाह में लोगों ने ईद का नमाज अदा कर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। माह रमजान पूरा होने की खुशी में आज ईद मनाई जा रही है। जिला समेत पूरे उत्तर बिहार में शनिवार की सुबह नमाज अदा की। इस दौरान देश और कौम के लिए दुआ की मांग की। लोग गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। सुबह से ही मेल मिलाप का दौर शुरू हो गया है। लोग अपने के साथ नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद भी ले रहे हैं। बच्चे में ईद को लेकर के एक अलग तरह का उमंग देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ भी उल्लास के साथ ईद मनाई जा रही है। गौशाला रोड स्थित बड़ी ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश किया, जिसमें आम लोग और कई नेता भी शामिल थे। इस मौके पर बच्चे ने जमकर खुशी मनाई। देते हैं अमन चैन शांति भाईचारा मिलकर के रहना, ये आज का दिन के लिए अच्छा होगा। बहुत सारे लोग देश में अफरा तफरी मचा रहे हैं, भाईचारा तोड़ रहे हैं, आपस में लड़वा रहे हैं, तो उसको हम लोग विफल करना है और सब लोगों को मिल करके देश को मजबूत करना है। महान पर्व है। एक महीना रोजेदार लोग जो है एक महीना रोजा रखते हैं और अन्न जल कुछ नहीं। यह महान पर्व है और आज ईदगाह हम लोग जुटे हुए हैं, तमाम जनप्रतिनिधि, राजनीतिक सभी पार्टी के लोग, और हम लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। पूरे एक महीने के बाद यह पावन अवसर आया है और सारे लोग मिलकर आज ईद के मुबारक एक दूसरे को दे रहे हैं। और यह जो पर्व है, यह सौहार्द का पर्व है, लोगों के बीच में सद्भावना का पर्व है और लोग इसका संदेश दे रहे हैं। अक्षय तृतीया को लेकर के शहर के सोनरपट्टी में ग्राहकों की भीड़ देखी। हालांकि दो दिन होने की वजह से ग्राहक कम पहुंचे। वर्ष के श्रेष्ठ दिनों में से एक बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसे हम सभी अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, यह पर्व 22 अप्रैल शनिवार को मनाया जाएगा। वेद वाक्य है कि न अक्षय इति अक्षय, अर्थात जिसका क्षय नहीं होता वही अक्षय है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार अक्षय तृतीया, बसंत पंचमी और विजयदशमी सार्वभौमिक रूप से वर्ष के श्रेष्ठ मुहूर्त है। अक्षय तृतीया को लेकर शहर के सोनरपट्टी की सभी दुकानों को सजाया गया है। सोने चांदी के आभूषण की खरीदारी करने के लिए ग्राहकों की भीड़ सुबह से ही देखी जा रही थी। हालांकि दो दिनों के होने के कारण ग्राहक कम दिख रहे थे। अक्षय तृतीया ये बहुत दिनों से पूर्वजों का माना हुआ है, इसलिए आज परशुराम जयंती भी है। सोना खरीदने का सबसे शुभ मुहूर्त होता है, साल में एक बार आता है ये मुहूर्त, सबसे शुभ दिन है। आज बहुत दिनों के बाद अक्षय तृतीया दो दिन पड़ गया है और आज शाम से उदय हुआ है अक्षय तृतीया का। शाम से ग्राहक बहुत ज़्यादा हैं बाज़ार में और बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अभी सब लोग अपने अपने हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। दो साल के कोरोना के बाद बाजार की स्थिति अब धीरे धीरे अपने रास्ते पर लौट आई है। कमरा मोहल्ला स्थित मस्जिद में सिया समुदाय के लोगों ने ईद का नमाज अदा कर एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। जिले में सिया बिरादरी ने भी शनिवार को ईद मनाई। देर रात ऐलान के बाद हर कोई मुबारकबाद देने में जुट गए। कमरा मोहल्ला स्थित सिया जामा मस्जिद और अन्य मस्जिदों में भी नमाज अदा कराई गई, जिसमें मुल्क और कौम की तरक्की को लेकर लोगों ने दुआ मांगी। शांतिपूर्ण नमाज संपन्न होने के बाद छोटे हो या बड़ा, हर शख्स एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देने लगा। अन्य जगहों पर भी ईद शांतिपूर्वक तरीके से मनाई गई। चांद दिखने के ऐलान होते ही सिया बिरादरी के लोग ईद के उत्साह में डूब गए, पर चिंतितों और साथियों को ईद की शुभकामना देने लगे। शनिवार की सुबह 9:30 बजे घरों से निकलकर नमाज अदा करने के लिए सिया जामा मस्जिद पहुंचे।
यहाँ सिया इमाम मौलाना हजरत हुसैन ने ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। नमाज के बाद कौम की तरक्की और मुल्क में अमन चैन कायम होने की दुआ मांगी गई। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान गुलामने अहल बेत कमेटी के द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन भी किया गया। नमाज में यही बताया गया कि ये हम मुसलमानों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए, सारे देशवासियों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी ईद है, खुशी का दिन है। हम लोग आपस में गले मिलते हैं और हम लोग भाईचारे का पैगाम देते हैं कि सारे लोग मिल करके एक साथ रहें ताकि इस दुनिया का माहौल हर एतबार से ठीक हो, और आपस में मेल जोल से रहने से ही इंसान तरक्की करता है। अगर हम लोगों को तरक्की चाहिए तो एक साथ होना होगा और एक साथ मिल करके हम अपने भाइयों की खुशी में खुश हों और हमारे भाई हमारी खुशी में खुश हों। मारीपुर स्थित मदरसा में सैकड़ों महिलाओं ने ईद का नमाज अदा कर एक दूसरे को बधाई दी। देश भर में ईद का पर्व आज बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और लोग एक दूसरे को ईद उल फितर पर्व पर एक दूसरे के गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। वहीं जिले की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर सामने आया है जहां पर इस्लामिक पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा और कट्टरपंथ थ्योरी को एक बड़ा संदेश दिया जाता है। दरअसल शहर के एक ऐसे मस्जिद की बात कर रहे हैं जहां मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के द्वारा नमाज अदा किया जाता है और इसकी ख्याति दूर दूर तक होती है। दरअसल शहर के अंदर अवस्थित मस्जिद ए अहले हदीसा और मदरसा में ईद उल फितर पर्व पर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने ईद पर्व पर नमाज अदा किया और देश भर में अमन चैन और शांति समृद्धि की दुआ मांगी, जो कि यहां खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश और आधुनिक शिक्षा का साथ तमाम कई नियमों और कायदे कानून को लेकर के बड़े रूढ़िवादी और कट्टरपंथी विचारधारा वाले के लिए बड़ा संदेश है, जहां पूरी आजादी के साथ में ईद की नमाज पढ़ती है और यहां दो नहीं बल्कि कई सैकड़ों की संख्या में महिला समुदाय की महिलाओं के द्वारा तीन फ्लोर की मस्जिद में दो फ्लोर महिलाओं के लिए होती है, जहां वो बड़े सादगी के साथ ईद उल फितर की नमाज पढ़ी और यह अपने आप में कट्टरपंथी विचारधारा वाले के तमाम नियम कानून को तमाशा है। मस्जिद के मौलाना ने बताया कि यह मस्जिद अपने आप में बहुत ही अनोखा है, जहां महिलाओं को विशेष अधिकार मिला हुआ है और अपने इस्लामिक अधिकार के तहत यह नमाज अदा करती है और दुआओं को मांगती है। उन्होंने कहा कि कुरान में महिला और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त है और किसी को भी उसके अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है, इसलिए यह मस्जिद ए हदीसा अपने आप में बड़ी मिसाल है। यह मस्जिद 1996 से अपने निर्माण के साथ ही महिलाओं को उनके नमाज हक को देता है। की नमाज असल में इस वजह से हम लोग अदा करते हैं कि पूरा एक महीना जब हम लोग रोजा रखते हैं तो रोजा रखने के बाद ईद उल फितर की नमाज पढ़ते हैं और उसमें दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुबारक में जो हम लोगों से कमी कुताई हुई है उस गलतियों को माफ़ फरमा और हमारे रोज़ा को कबूल फरमा। और ये तरीक़ा हम लोगों से नहीं, हमारे प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही ऐसा ही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जब तक दुनिया कायम है तब तक इसी तरीके पर नमाज हुआ करेगी। और असल नमाज में असल ये शुक्राने की नमाज है और हर आदमी को इस बात की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह तबारक व तआला से रो करके गिर गिरा करके हम अल्लाह तआला से माफ़ी मांगें और अपने रोज़ा कबूल करावें। और इस रोज़ा इस ईद की नमाज के लिए सिर्फ मर्द नहीं बल्कि बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, इन तमाम लोगों पर नमाज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों से भी कहा कि जो मस्जिद में जाने के लायक नहीं हैं वो भी ईद की नमाज ईदगाह जाएं और नमाजी लोगों से हट के रहें, लेकिन दुआ में शामिल रहना है। अक्षय तृतीया को लेकर के पुरानी बाजार स्थित महेंद्र कुमार ज्वेलर में कृष्णा डायमंड की ओर से एग्जीबिशन लगाई गई। जिले की पुरानी बाजार स्थित महेंद्र कुमार ज्वेलरी में कृष्णा डायमंड की ओर से अक्षय तृतीया को लेकर लगाए गए एग्जीबिशन में कृष्णा डायमंड के लाइटवेट नई डायमंड ज्वेलरी रेंज के साथ मध्यम वर्ग के हीरे के आभूषण रखने का सपना पूरा कर रहा है। कंपनी के रिटेल और मार्केटिंग हेड शंकर मिश्रा ने बताया कि कृष्णा की रेंज और कलेक्शन एकदम नया है और लाइटवेट ज्वेलरी होने के कारण एक मध्यम वर्ग की महिला भी हीरे खरीदने के सपने को सच कर सकती है।
कृष्णा एक आभूषण उत्पाद ब्रांड है जो किफायती मूल्य और उच्च गुणवत्ता के साथ विशेष संग्रह प्रदान करता है। अब इस नई रेंज को लॉन्च करके यह बहुत ही किफायती ज्वेलरी पेश कर रही है जो एक महिला में फैशन की समझ को अपग्रेड करेगी। इस ब्रांड के कलेक्शन में सोने के आभूषणों के साथ साथ हीरे के आभूषण भी है। यह ब्राइडल और कैजुअल रेंज के व्यापक संग्रह के साथ देश की सबसे बड़ी आभूषण खुदरा श्रृंखलाओं में से एक है। कृष्णा डायमंड का यह दावा है कि डायमंड नेकलेस जो 1,00,000 रुपए से शुरू होती है उस रेट और वेट में कोई और कंपनी आभूषण उपलब्ध नहीं करा सकती है। कृष्णा डायमंड में रिंग, इयर रिंग्स और पैटेंट में की विशाल रेंज उपलब्ध है जिन पर 90% की बाई बैंक गारंटी है। साथ ही इसकी एक्सचेंज वैल्यू 95% है। इसके रिपेयरिंग और पॉलिश लाइफ टाइम के लिए फ्री है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि एक बार आप इस एग्जीबिशन में आए और कृष्णा के विस्तृत रेंज को देखें। उनका दावा है कि आप यहां से बगैर कुछ खरीदे वापस नहीं जाएंगे। मैं मुजफ्फरपुर में इस प्रतिष्ठान में अपना प्रोडक्ट को एग्जीबिट किया। 19 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 20 तारीख को, आज 21 तारीख को, आज 22 है, आज अक्षय तृतीया भी मनाया जा रहा है। हम लोग संतोषजनक रिजल्ट मिला है, हमें परिणाम अच्छे आए हैं और फर्दर चूँकि कलेक्शन हमारा काफ़ी अच्छा है और हमने रोज़ उसमें नए नए कलेक्शंस को ऐड किया है, जो न्यू फुटफॉल आया उसको नया स्टॉक दिखाया जाए, तो उस रिस्पेक्ट में जो सम्मानित ग्राहक आए हैं उनका तो आदर किया ही है। उन्होंने वो सेटिस्फाइड होकर गए हैं, परचेज करके गए हैं और मैं रोज़ नया स्टॉक यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। जो और भी जो कस्टमर्स हैं उनसे भी आग्रह है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं फर्दर 3-4 डेज के लिए। जी, आज हम लोग 22 में हैं, अप टू 25 तक हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं इस एग्जीबिशन को। तो आपके चैनल के माध्यम से हमारा आग्रह है सारे मुजफ्फरपुर वासियों को कि सम्मानित लोग एक बार फिर से महेंद्र कुमार ज्वेलर्स पर आएं और हमारा जो प्रोडक्ट है विश्व स्तरीय प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास का कृष्णा का जो डिज़ाइन और फिनिशिंग में नंबर 1 है, कस्टमर बेनिफिट को लेकर नंबर 1 है, उसको आकर जरूर एक बार देखें और परचेज करें, ऐसा मेरा आग्रह है उनसे। कस्टमर को हर रोज यहाँ पे नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके के? यस सर, कस्टमर को हम लोग रोज लाइन चेंज कर रहे हैं कि उनको हम नया कलेक्शन दिखाएं, आई कैचिंग कलेक्शन दिखाएं जो उनको पसंद हो। और जो न्यू ट्रेंड के लोग हैं, जो युवा कस्टमर हैं, उनके लिए खासकर कुछ स्पेशल कलेक्शन है जो इजी टू परचेज है। और डायमंड में होता क्या है ना कि मार्केट में जितने भी प्लेयर्स हैं ना, वो हाई क्वालिटी का डायमंड तो बेचते हैं पर रेट उसका फ्रेंडली नहीं होता। हम जो कस्टमर का रेट फ्रेंडली हो, बजट उसका अलाउ करे पॉकेट, एज पर दैट हम चलते हैं। मतलब हमारा प्रोडक्ट आपको डायमंड का प्रोडक्ट हमारा 10,000 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा हाई क्वालिटी में, VVSFG रिंग्स, ईयर रिंग्स, पेंडेंट्स। आप सोलिटेयर ले सकते हैं हमारे यहाँ 50,000 में, आप नेकलेस ले सकते हैं हमारे यहाँ स्टार्ट होता है 1,00,000 से, और क्वालिटी हाई ग्रेड की क्वालिटी जो IGA सर्टिफाइड, कृष्णा के द्वारा सर्टिफाइड और हिंदुस्तान के सारे ज्वेलर्स के द्वारा सर्टिफाइड किया गया है कि नहीं प्रोडक्ट, आप योर प्रोडक्ट इज नंबर 1। आम लोगों महंगाई की मार अब दूध पर झेलनी पड़ रही है। सुधा दूध ने 3 से 4 रुपए कीमत में बढ़ोतरी किया। राज्य में सुधा दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा पनीर, घी व मक्खन की कीमतों भी बढ़ा दी गई है। सुधा गोल्ड व सख्ती कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर, जबकि सुधा गाय की दूध कीमत में 4 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। वहीं आधा लीटर पाउच वाली सभी श्रेणी के दूध की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई है। दूध की नई दर आगामी 24 अप्रैल से प्रभावी होगी। नई दर की अधिसूचना बिहार स्टेट मिल्क को ऑपरेटिव फेडरेशन कॉन्फेड की ओर से जारी कर दी गई है। हालांकि बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद कॉन्फेड की ओर से दावा किया गया है कि बाजार में उपलब्ध अन्य दूध कंपनियों की तुलना में सुधा के दूध अब भी 2 रुपए से 3 रुपए प्रति लीटर सस्ते हैं। पिछली बार दूध की कीमत में अक्टूबर 2022 में वृद्धि की गई थी। दूध की कीमतों में वृद्धि से पहले कॉन्फेड की वित्त समिति बैठक हुई थी, उसमें समिति की ओर से दूध की कीमतों में वृद्धि करने की अनुशंसा की गई। एक और दूध की कीमतों में वृद्धि से आम लोगों की जेबें हल्की होगी तो दूसरी ओर इसका लाभ राज्य के पशुपालकों को मिलेगा। उन्हें लगभग 2.5 रुपए से लेकर 4 रुपए प्रति लीटर अब अधिक पैसे मिलेंगे। महीना में 2 बार रेट बढ़ गया है और सब दूध के कारण, जो अलग अलग प्रकार के जो दूध आते हैं उस कारण से ये भी अपना दूध का रेट बढ़ा रहे हैं। इससे गरीब लोगों के जीवन पे थोड़ा सा असर पड़ेगा, जो डेली खाते डेली कमाते हैं उनके ऊपर, उनको लगेगा कि जो 1 लीटर लेते थे वो 0.5 लीटर लेंगे पैसे। हाँ, कहीं ना कहीं कटौती होगी। आमगोला स्थित निजी सभागार में नारायण ट्यूटोरियल की ओर से टैलेंट सर्च प्रतियोगिता में चयनित छात्रों को सम्मानित किया गया। नारायण ट्यूटोरियल्स की ओर से शनिवार को आमगोला स्थित एक निजी भवन में ESPN टैलेंट सर्च प्रतियोगिता में चयनित हुए छात्रों के सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में छात्रों के
साथ छात्रों को पढ़ाने वाले विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों को भी सॉल व मोमेंटो देकर के सम्मानित किया गया। साथ ही दसवीं पास छात्रों को कैरियर काउंसलिंग भी की गई। इस मौके पर गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के बायो फैकल्टी डॉक्टर रणवीर कपूर ने बताया कि नारायण ट्यूटोरियल्स जो सासाराम के गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थित है, नीट यूजी और आईआईटी के पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रचलित है। हमारे ब्रांचेज अभी गोपालगंज के अलावा पटना में भी खुला है। छात्रों के लिए दोनों जगह सुविधाएं उपलब्ध है। छात्र जहां चाहे वहां एडमिशन ले सकते हैं। इसके खुल जाने से बिहार व यूपी के छात्रों को कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुजफ्फरपुर में बच्चों को सम्मानित करना, जो बच्चे हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, और साथ ही साथ यही शुभकामना दे रहे हैं इस बार के लिए जो हमारा कमिंग सेशन में जो इस बार हमारा फिर से हमारा टेस्ट होने जा रहा है, ESPN जो करवा रही है उसको हम लोग फिर से करना चाहेंगे मुजफ्फरपुर से। फिर से हम चाहेंगे कि इस बार जो बच्चे 10-20 बच्चे जो हमें सेलेक्ट किए हैं, अगली बार मोस्ट ऑफ द बच्चे हमारे मुजफ्फरपुर से हो, एक अच्छी बल्क में हमें बच्चे जो है यहाँ से अच्छे रैंक्स में मिले जिनको हम लोग सम्मानित कर सके। टीचर्स जिनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, नो डाउट उनका बहुत योगदान रहा है बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो उन टीचर्स को भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं आज के डेट में। और आज का जो सम्मान समारोह था मेनली टीचर्स और बच्चों को डेडिकेटेड है। जी सर, बच्चों का सिलेक्शन जो है हम लोगों ने स्कॉलरशिप टेस्ट के तहत किया था जो कि हमने लिया था, और उसमें जो बच्चे रैंक में आते हैं, सपोज कि हम लोग 200 बच्चों को फ्री में पढ़ाने का हमारा रहता है कि 200 बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जिसमें कि अप टू फर्स्ट से लेकर 60 तक के जो रैंक के बच्चे होते हैं हमारे उनको हम लोग 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर दैट 60 से लेकर के हमारे जो 200 तक के बच्चे हैं उन्हें हम लोग 40% स्कॉलरशिप देते हैं। दूसरी शादी करने पर पहली पत्नी की शिकायत पर काजीमोहनपुर थाना की पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शहर में एक पति अपनी पत्नी से 5 लाख की डिमांड करता है। वह पत्नी को मायके से 5 लाख रुपए मंगवाने का दबाव बनाता है। पत्नी के विरोध करने पर दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी की भनक लगते ही पहली पत्नी थाने पहुंच जाती है, वही पति को गिरफ्तार करवाती है। मामला काजीमोहनपुर थाना क्षेत्र के दामोचक इलाके की है। मामले में प्रीत ने थाने में दामोचक निवासी पति विकास कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराती है। FIR दर्ज होते ही पुलिस विकास को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ के बाद शनिवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज देती है। मामले में थानेदार दिगंबर कुमार ने बताया कि विकास की पत्नी ने दहेज में 5 लाख रुपए नहीं देने और धोखे से दूसरी लड़की से शादी करने का आरोप लगाई थी। इसमें उसके पति को जेल भेज दिया गया है। पुष्पा कुमारी ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी पिछले वर्ष 26 अप्रैल को विकास से हुई थी। उस समय 2,57,000 नगद रुपए, सोने का चैन, फर्नीचर का सामान समेत अन्य महंगी चीज उपहार के स्वरूप में दिया गया था, जिसके बाद वह विकास से शादी कर ससुराल पहुंची थी। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद से विकास 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगा। बोला कि मायके जाओ, पिता से पैसे लेकर आओ ताकि वह किसी चीज का बिजनेस कर सके। पिता ने 5 लाख देने में असमर्थ जताई थी। उस पर उसने दूसरी शादी करने की धमकी दिया था, जिसके बाद गांव के कुछ लोगों के साथ पिता पंचायती के लिए आए थे। उस समय काफी समझाने के बाद वह शांत हो गया। इस बीच पता चला कि विकास ने काजीमोहनपुर थाना स्थित इलाके में छिपकर किसी दूसरी युवती से शादी कर ली है। जब उसको विरोध किया तो दोबारा पैसे को डिमांड की गई। विरोध करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया गया, जिसके बाद वे न्याय के लिए थाने पहुंची है, वहां पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई। हमको पता नहीं था जो शादी कर ले है लड़का जी। हाँ, हमको अनजान में ऐसा हुआ है। ये लोग अपना मन से किया था शादी, तो हमको बाद में मालूम चला कि ये लोग शादी कर ले है। शादी आप करवा दिए थे? हाँ, लेकिन हमको बाद में पता चला था कि ये लोग शादी कर ले है। अखिल भारतीय ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन आभा की ओर से सलम बस्ती में बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। अखिल भारतीय ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन आभा की ओर से स्लम बस्ती के बच्चों की भी शिक्षा का अलख जगाने हेतु निरंतर रूप से शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को बनारस बैंक चौक स्थित स्लम बस्ती में एसोसिएशन की ओर से बच्चों के बीच पाठ सामग्री जैसे कॉपी, पेंसिल, किताब, पेन इत्यादि का वितरण किया गया। इस दौरान पूर्व उप महापौर विवेक कुमार, वार्ड पार्षद KP पप्पू भी मौजूद रहे। मौके पर एसोसिएशन के संस्थापक सविता शाही ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने और जिम्मेदार बनाने के लिए हमारी ओर से लगातार इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। अगर बच्चों में शिक्षा आएगी तो वह आगे चलकर समाज को अच्छा बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। दी है और शिक्षा को जागरूक करने के लिए हमने यह पुस्तक वितरण किया है। बच्चों में शिक्षा जागरूक हो, वो आगे बढ़े, अपने अपने कर्तव्य को समझें कि आगे पर चल के हमें क्या बनना है, क्या करना है, जिससे हमारे समाज में सुधार आ सके।
ये हमारा काफ़ी टाइम से चल रहा है। हमने कई जगह प्रोग्राम इस चीज़ का दिया है और आगे भी करते रहेंगे, जिसमें आगे बढ़ के महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं, वो हमारा समर्थन दे रहे हैं। जहां भी हम वहां करते हैं, वो वार्ड परिषद हो या वहां के कोई भी अध्यक्षता हो, हर कोई अपना सहयोग दे रहा है, उनके साथ हम काम करते हैं। लमसम अभी तो हम जगह जगह पर जहाँ भी प्रोग्राम दे रहे हैं, लमसम 500-600 से ऊपर ही बच्चे हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनके अंदर उत्साह है शिक्षा को लेकर के। हर क्लास के 1 से 10 तक के 8 तक के अभी चल रहा है जूनियर। अब समय चलता है छोटे से ब्रेक का, अब बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, Olympiad for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and Target. अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.geniusclasses.in और ईमेल अस ऑन info@geniusclasses.in। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, BEd, रेलवे इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहां उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहां अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनिथ पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337, 6203529231, 7766974617। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष
छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन, दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों के बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है, तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। चुन्नी लाल मेगा मॉल सरैयागंज टावर के समीप अखाड़ा घाट रोड मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाइएस आप चले जाइए 3,000, 4,000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चले जाएगी। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच एक, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवाजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, BEd, रेलवे इंजीनियरिंग, मेडिकल पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के फॉर्म एवं विभिन्न प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5-65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच एक, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड मुजफ्फरपुर। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो, ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है।
For free home delivery at nearby place, call us on 608-777-278 and 8986-060-772. हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर छादा चौक मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों को फिर से स्वागत है। अब रुक करते अन्य खबरों की ओर। कुडनी थाना क्षेत्र के भंगड़ा बंसीधर गांव स्थित रेलवे गुमती के पास एक महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। जिले के हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर कुडनी थाना क्षेत्र के बंगड़ा बंसीधर गांव स्थित 18 नंबर रेलवे गुमती के पास एक महिला की मौत हो गई। उसका शव रेलवे ट्रैक पर बरामद हुआ, जिसके बाद उसके परिजन शव लेकर भाग गए, जिसका वीडियो सामने आया है। जब तक पुलिस पहुंची तब तक लाश लेकर परिजन भाग चुके थे। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि हम लोग सुबह सुबह देखे और परिजन सब लेकर चले गए। उम्र करीब 55 साल बताई जा रही है। शहर से लेकर गांव तक लोगों ने धूमधाम से ईद मनाते हुए एक दूसरे के घर जाकर के ईद की बधाई दी। रमजान के महीने के आखिरी दिन चांद का दीदार करने के बाद अगले दिन ईद उल फितर मनाया जाता है। मुस्लिम समुदाय के बीच ईद का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कई दिन पहले से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। इसमें मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद के दिन मुस्लिम समाज के लोग नए कपड़े पहनते हैं और ईद की नमाज अदा कर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसके बाद आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे के घर पर जाकर के ईद की मुबारकबाद देते हैं और सेवई भी खाते हैं। जब हम 10 साल के थे ना, तब उस पर चेयरमैन थे आपके रघुनाथ पांडे जी और वाइस चेयरमैन थे आपके मकबूल आजादी साहब, मकबूल आजादी तो वाइस चेयरमैन थे। तो आए थे ईद आपसे, मेरे फादर से बहुत ज्यादा तो यह था, आए तो मिले तो उन्होंने आपको ईद दिया था चांदी का 2 सिक्का। क्या संदेश दीजिएगा पूरे शहरवासियों को जी? शहरवासियों को क्या संदेश दीजिएगा ईद के मौके पर? ईद के मौके शहरवासियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सबसे। बस खुशी की बात है कि इस पर्व में हिंदू मुसलमान सारे लोग जो है ना। कांटी थाना क्षेत्र के देवहा गांव के एक घर में चोरों ने लाखों के सामान चोरी कर ली, हालांकि लोगों ने उसे धर दबोचा। जिले में बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। आए दिन जिले में चोर पुलिस गश्ती को चुनौती बताते हुए कहीं न कहीं हाथ साफ कर रहे हैं। ताजा मामला जिले में कांटी थाना क्षेत्र के ढेवा गांव का है, जहां एक बेटी की शादी की तैयारी में जुटे घर को बेखौफ चोरों ने निशाना बनाया और लाखों का माल समेट लिया। हालांकि लोगों द्वारा एक चोर को धर दबोचा गया और उसके निशानदेही पर फरार हुए दूसरे चोर को भी लोगों ने पकड़ लिया। दरअसल कांटी नगर परिषद क्षेत्र के ढेवा गांव में वीरेंद्र राम के घर में बीते रात चोरों ने चोरी की। वह नगद जेवरात समेत अन्य महंगे सामान चोरी करके ले गए। बता दें कि गृहस्वामी वीरेंद्र राम की पुत्री की शादी 2 दिनों में होने वाली थी और इसी की तैयारी जोरों से चल रही थी। वहीं चोरों को इस करतूत से गृहस्वामी की सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। हालांकि गृहस्वामी ने रंगे हाथ एक चोर को पकड़ा, जिसकी पहचान गांव के ही अखिलेश गिरी के रूप में हुई और उसके निशानदेही पर पुलिस ने मुकेश राम को हिरासत में ले लिया। रुपया था 1.5 लाख के आसपास में, गहना गुड़िया था सब। उठे हैं तो घरे में पकड़े हैं उसको। घर में था? हाँ, इकल्ला था तो पकड़े हैं, सबको जगाए पकड़े, उसके बाद उन्हें बांध के रखे हुए थे। समाज के जगाए मतलब रात के घटना? हाँ, 3 बजे का। शादी उदी के लिए? हाँ, शादी के लिए। आज पूजा मटकोर है, कल गरीब स्थान से आए हुए, अब सब यही सब हुआ है। लोन लिए थे? हाँ, लोन लिए थे। कितना का मतलब, कितने के संख्या में बताया? 2 आदमी बता रहा है। हाँ, यही बगले का है, ढेमाए का है। विश्व पृथ्वी दिवस पर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर आमगोला स्थित सुख शांति भवन में शनिवार को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर बीके डॉक्टर फणीश चंद्र ने कहा कि ब्रह्म कुमारी के साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग के द्वारा आज पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। उसका उद्देश्य है कि सभी लोगों को धरती माता के प्रति चेतना जागृत कराया जा सके।
आज पर्यावरण में जो इतनी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके, सभी लोग एक साथ जागृत होकर पृथ्वी में हो रहे परिवर्तन को कैसे कम किया जाए इसके प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इसका जो कार्यक्रम है वो विशेष रूप से विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में है। ब्रह्मा कुमारीज का जो साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग है उसके द्वारा आज पूरे विश्व में ये दिवस मनाया जा रहा है ताकि सभी मनुष्यों को धरती माता के प्रति चेतना जागृत कराया जा सके कि आज हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हमारे सामने पर्यावरण में जो लगातार परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि हम देखें अभी गर्मी का मौसम है, इतना तापमान बढ़ चुका है, सर्दी का मौसम आया तो हम लोगों ने देखा कि काफ़ी सर्दी पड़ी, तो इतना ज़्यादा जो पर्यावरण में परिवर्तन है, कहीं ना कहीं हम सबको सचेत होने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें प्रकृति के प्रति अपने शुद्ध संकल्पों का भी सहयोग देना होगा। क्योंकि आप देखिए जो बाह्य प्रकृति है वो हमारी आंतरिक प्रकृति से जुड़ी हुई है, लेकिन आज हमारी आंतरिक प्रकृति में जो सकारात्मकता होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है। मानव मन अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रसित है, बहुत सारी नकारात्मकता मानव मन में प्रवेश कर गई है। ऐसे समय पर जैसा व्यक्ति सोचता है वैसे ही प्रकंपन उसके द्वारा प्रकृति में फैलते हैं, तो ये मनुष्यों का फर्ज बनता है कि वो प्रकृति को अपने शुद्ध और सकारात्मक वाइब्रेशंस का सहयोग दें। साथ ही साथ प्रकृति के अंदर जो ये पांच तत्व हैं, हमें इन पांचों तत्वों का भी बहुत संरक्षण करने की आवश्यकता है। खबरों का सिलसिला होता है यहीं समाप्त। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।